गाइस, तो आप पधारे लखनऊ में, तो आईपीएल आने वाला है और हम सारी टीमों का स्वेट एनालिसिस, उनकी प्लेइंग 11, सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। कहाँ पे उनकी टीम प्लेऑफ में जाएगी या नहीं जाएगी, पूरा एकदम इनडेप्थ एनालिसिस एंड पूरा प्री सीजन प्रीव्यू वो आज करने वाले हैं सारी टीम्स का एक एक करके। तो जैसा कि कल मैंने बोल रखा था, तो लखनऊ सुपर जायंट के लिए सबसे ज़्यादा वोट आए थे, तो लखनऊ सुपर जायंट से हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बाकी प्लेइंग 11 क्या होगी, बाकी सब पे जाऊंगे। स्क्वाड तो आप मोस्टली सारे लोगों को पता ही होगा, लेकिन तब भी एक बार को सबको एक स्क्वाड बता देता हूँ कि कौन बैट्समैन कौन है, ऑलराउंडर कौन है, और कोई जो डोमेस्टिक प्लेयर आए कहाँ से आए, कौन कैसा खेलता है, तो वो थोड़ी सी सबको एक रिमाइंड करा देता हूँ। तो अगर मैं बैटिंग की बात करूँ तो देखो, उन्होंने तीन लोग तो रिटेनिंग करे थे, जिसमें केएल राहुल जो उनके कैप्टन थे वो एक बैट्समैन थे, इवन लुईस उन्होंने लिया बैकअप ओपनर की टर्म्स में, और बाकी क्विंटन डी कॉक है उनके पास, इवन लुईस बैकअप ओपनर है, मनन बोरा है उनके बैकअप ओपनर में, मनीष पांडे लिया उन्होंने मिडिल ऑर्डर के लिए, और क्विंटन डी कॉक, केएल राहुल, मनीष पांडे, मनन बोरा, तो पांच बैट्समैन है उनके पास, जो प्रॉपर पांच बैट्समैन लिए हैं, जिसमें से दो विकेट कीपर बैट्समैन है केएल राहुल एंड क्विंटन डी कॉक। सो पांच बैट्समैन है इवन लुईस, मनन बोरा, मनीष पांडे, केएल राहुल एंड क्विंटन डी कॉक। अगर ऑलराउंडर्स की बात करूँ तो ऑलराउंडर्स में इसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, लाइक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के ऑलराउंडर पे, बैट्समैन पे उतना नहीं किया है। जो बैट्समैन है वो भी उनके एटलीस्ट बॉलिंग कर सकते हैं दो से तीन ओवर, तो ऑलराउंडर पे काफ़ी इन्वेस्ट किया है। तो ऑलराउंडर में सबसे अगर मैं बात करूँ तो दीपक हुड्डा जो हाल फिलहाल इंडियन टीम में अभी गए हैं, जेसन होल्डर एक प्रूवन, लाइक दो तीन साल से बहुत अच्छा कर रहे हैं आईपीएल में, करण शर्मा सीएसके के साथ थे अभी, तो करण शर्मा को लिए अलग फैक्टर, कृष्णप्पा गौतम ऑफ स्पिन करते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं, कुणाल पांड्या मुंबई इंडियंस से इधर आ चुके हैं, भाई भाई अलग हो गए, और काइल मेयर्स बैटिंग बॉलिंग कीपिंग तीनों कर लेते हैं, ये वेस्ट इंडीज से ओपनिंग भी करते हैं और पहला ओवर भी डाल सकते हैं। और मार्कस स्टोइनिस जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए फिनिशिंग में बहुत अच्छा काम किया, तो मार्कस स्टोइनिस को भी इन्होंने वापस, और एक अनकैप्ड लाइक एक यंगस्टर उठाया इन्होंने, उसका नाम आयुष बदोनी, तो आयुष बदोनी खेलते हैं दिल्ली कैपिटल से, अभी 2020-21 वाली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनका डेब्यू हुआ था, और स्पिन करते हैं और बैटिंग कर सकते हैं, तो एक और अनकैप्ड ऑलराउंडर। अगर बॉलिंग में बात करूँ, बॉलिंग में तो काफ़ी इन्होंने थोड़ा सा इंडियन बॉलिंग अच्छा है इनका, हाविस खान यंगस्टर मध्य प्रदेश से आते हैं, उन पर इन्वेस्ट किया है, हाल फिलहाल इंडिया भी खेल रहे हैं, अंकित राजपूत पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ थे, तो शायद गौतम गंभीर वाला कनेक्शन है कि गौतम गंभीर ने उन्हें वहाँ पे अच्छे से देखा था, तो अंकित राजपूत को भी लिया उन्होंने, और हाविस खान को बताया, दुश्मनता चमीर और मार्कवुड के टर्म्स में इन्होंने दो ओवरसीज फास्ट बॉलर लिए। एक और बात, मार्कवुड आई थिंक वो अपना नाम वापस ले रहे हैं, आई थिंक बायोबल फटीक की वजह से वो नहीं आना, आई थिंक वो नहीं आएंगे, जिस तरह जैसन रॉय और एलेक्स सेल्स ने मना किया आने का, आई थिंक मार्कवुड ये बहुत बड़ा इशू है सारी फ्रेंचाइज के लिए, प्लेयर बिकने के बाद ऑप्शन में सोल्ड आउट होने के बाद वापस नाम ले रहे हैं, तो आई थिंक मार्कवुड का एक इशू मुझे लगता है। और बाकी रवि बिश्नोई के टर्म्स में स्पिनर है इनके पास, लेग स्पिनर कुगली अच्छा रिटेन किया था उनको, और शहबाज नदीम लेफ्ट आर्म स्पिनर झारखंड के वो भी अच्छा डालते हैं, और मोहसिन खान भी उन्होंने आई थिंक ये उनके लोकल वो हैं, आई थिंक उत्तर प्रदेश से खेलते हैं, लेफ्ट आर्म सीम डालते हैं मोहसिन खान, और मयंक यादव राइट आर्म सीम डालते हैं, मीडियम पार्ट डालते हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं, ये भी दिल्ली से आते हैं। तो ओवरऑल इनकी बॉलिंग में अंकित राजपूत, आवेश खान, दुश्मनता चमीरा, मार्कवुड, मयंक यादव मोहसिन खान एंड रवि बिश्नोई, उसके साथ शहबाज नदीम, तो ये इनके टोटल स्क्वाड है बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर में, दो तीन विकेट कीपर ऑप्शन है, आई थिंक ऑलराउंडर बहुत ज़्यादा है। अगर टोटल प्लेयर की बात करूँ तो टोटल इन्होंने 21 प्लेयर लिए हैं, 25 का स्क्वाड नहीं पूरा किया है, तो बाकी अच्छा ऑप्शन गया, ऑप्शन में काफ़ी अच्छा काम किया, ऑलराउंडर्स पे इन्वेस्ट किया, और बैटिंग में भी टॉप बैटिंग ओपनर्स बहुत अच्छे हैं, ऑलराउंडर्स एक्चुअली में बहुत अच्छे हैं। बाकी पूरा बात करते हो, अगर इनकी प्लेइंग 11 की बात करें, चलो अभी प्लेइंग 11 बनाते हैं, ओके, आई थिंक जो लखनऊ सुपर जायंट और बाकी सारी टीम्स की जो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी थी वो इसी क्यों थी कि अच्छी प्लेइंग 11 बनाई जाए, उसके बाद बैकअप लिए जाए, लेकिन बैकअप किसी के अच्छे नहीं है लिटरली, क्योंकि 10 टीम्स के आने के बाद जो एडिशन 40 प्लेयर्स जाने थे बाकी टीम्स में, तो सारी टीम वीक हुई है, सिग्निफिकेंटली वीक हुई है, एक आप कह सकते हो कि आई थिंक लखनऊ सुपर जायंट ने काफ़ी अच्छा काम किया, मैं तो 9/10 दूंगा ऑक्शन में जो इन्होंने काम किया, तो बहुत अच्छा काम किया ऑक्शन में, फिर भी थोड़े होल्स तो सारी टीम्स में, तो इस टीम में भी हैं, तो एक एक करके पहले प्लेइंग 11 पे चलते हैं, उसके बाद अपन सारी चीज़ों को बाकी कवर करें। बाकी चलो प्लेइंग 11 की बात करते हैं, तो अगर प्लेइंग 11 की बात करें, तो अगर प्लेइंग 11 में सबसे पहले ओपनर तो नो ब्रेनर केएल राहुल के साथ क्विंटन डी कॉक होना है, बैकअप में जरूर इवन लुईस है बट नो ब्रेनर इसको, मनीष पांडे प्रूवन परफॉर्मर गुजरात टाइटंस सॉरी केकेआर के साथ जो पहले वो थे और तब गौतम गंभीर कैप्टन थे, अभी मेंटर है, तो नंबर तीन मनीष पांडे, नंबर चार मैं देख पर्सनली चाहता हूँ कि दीपक हुड्डा खेलें, बाकी लोग भी हैं लेकिन अच्छे ऑलराउंडर हैं और इंडिया के बहुत करीब, इंडिया खेल रहे हैं, एक दो डेब्यू भी हुआ है, बैटिंग बड़े तक नहीं आई लेकिन तब भी इंडिया के करीब है, तो दीपक हुड्डा को नंबर चार पर देखना चाहता हूँ। नंबर पांच की बात करूँ तो मार्कस स्टोइनिस, काफी अच्छा काम किया दो तीन साल में उन्होंने, दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छा फिनिश किया, बहुत सारी चीजें अच्छी करीब, मतलब बहुत अच्छे सीजन गए, सिचुएशन और कंडीशन के बेस पे आप चार पे भले स्टोइनिस को रख सकते हैं, दीपक को पांच पे ला सकते हैं, डिपेंड ऑन द मैच सिचुएशन, तो वो चार पांच वो दोनों हो जाएंगे। नंबर छह की बात करूँ कुणाल पांड्या, पता है फॉर्म डाउन गया, थोड़ा सा डाउन गया है,
बट तब भी यार आपके पास आई थिंक बेस्ट ऑप्शन वही है, बॉलिंग कर सकते हैं आपके पास टॉप सिक्स में, नंबर चार पांच छह तीनों बॉल कर सकते हैं, कुणाल तीन ओवर दो ओवर वेस्ट हुए नहीं, एक ओवर दीप बहुत अच्छे ओवर आपके टॉप सिक्स में मतलब इजीली अवेलेबल हो गए आपके लिए, तो नंबर छह पे कुणाल पांडे और नंबर सात पे क्योंकि आपके छह ओवर स्टार्टिंग के टॉप चार में तीन बॉलर हो गए हैं मतलब बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर जो कि बॉल कर सकते हैं, तो नंबर सात पे एक ऑलराउंडर इजीली आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो नंबर सात की अगर मैं बात करूं तो सबसे अगर मुझे कोई वो लगता है तो नो ब्रेनर जैसन होल्डर, बहुत अच्छा बॉल के न्यू बॉल के साथ ओल्ड बॉल के साथ बैटिंग के साथ अच्छे फील्डर लॉन्ग ऑफ पे लॉन्ग ऑन पे, तो बहुत अच्छा थम्सअप है उनके लिए। आई थिंक जैसन होल्डर का एक साथ सात नंबर पे नंबर आठ एक क्रूशियल पोजीशन है। देखो एक बात करूं तो इनके टॉप सात में ऑलरेडी चार बॉलिंग ऑप्शन हो चुके हैं जिसमें से दो दो तो प्रॉपर बॉलर है लाइक कुणाल पांड्या जैसन होल्डर, वो तो एज अ बॉलर भी खेल सकते हैं, तो आई थिंक अब एज अ बॉलर ही खेलते थे नंबर सात आठ पर अब तक अपनी फ्रेंचाइजीज के लिए। तो आई थिंक आठ पे एक और ऐसा बैट बॉलर या बैट्समैन आप अफोर्ड कर सकते हो जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करता हो लाइक ऑलराउंडर टाइप्स, तो आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है इसमें। आई थिंक अगर आपको ये है कि कंडीशंस असिस्ट कर रही है फास्ट बॉलिंग को स्पिनर नहीं खिलाने देन तो आपके पास कोई और चारा नहीं है। ओके 9-10-11 पहले मैं बता देता हूँ आपको, 9 पे सीधा आविश खान आने वाले हैं, 10 पे रवि बिश्नोई जो एक ओवरसीज फास्ट बॉलर, दुश्मनता चमीरा स्लैश आविश खान। तो जैसा मैंने बताया कि आविश खान का आना आई थिंक मैं डाउटेड हूँ, आई थिंक बहुत रेयर है कि वो आए, तो आई थिंक दुश्मनता चमीरा खेल जाएंगे, नई 140 प्लस पेस, नई बॉल से बॉलिंग, पुरानी बॉल से बॉलिंग, स्विंग बॉलिंग, बाउंसर सब कुछ परफेक्ट है, स्लोअर कटर लेग कटर सब सब कुछ डाल लेते हैं आई थिंक वो है। तो नंबर आठ एक क्रूशियल पोजीशन, अगर आपको सीमर खिलाना है तो अंकित राजपूत के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपने उतना मैंने बोला बैकअप किसी के पास टाइम का नहीं है, अंकित राजपूत सीधा खेल जाएंगे। और अगर बात करूं अगर स्पिनर खिलाना है जो कि अगर सामने वाली में ज्यादा राइट हैंडर है तो आप सहवाज नदीम को खिलाओ, बट आई थिंक दोनों से बेटर मैं पर्सनली चाहूंगा कि कृष्णप्पा गौतम खेलें, सिक्स सेटिंग एबिलिटी अच्छा है और आई थिंक वही चाहिए आपको, 10 बॉल में 25 बना के देते हैं 14 में से दो तीन बार, तो आई थिंक इतना ही आपको फिनिशिंग में डाउन द ऑर्डर चाहिए। आई थिंक जो कृष्णप्पा गौतम लेके आते हैं अच्छे गन फिल्डर, एक कैच छोड़ा था उसको इसके बारे में सोच रहे हैं लेकिन स्टिल अच्छे फिल्डर और अच्छे से मतलब आपको तीन ओवर दे सकते हैं, वो दो या तीन ही चाहिए, ऐसा नहीं चार ओवर चाहिए, कुणाल पांड्या बॉल कर लेते हैं, मकेश टॉरिस बॉल कर लेते हैं, इवन तो आप तीसरा स्पिनर खिला लो, इवन तो चौथा स्पिनर लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट देन लाइक आविश खान, दुश्मनता चमीरा और उसका नाम जैसन होल्डर और उसके पंकज टोनी, चार फास्ट बॉलर हो गए, उसके अलावा भी रवि बिश्नोई और कुणाल पांड्या दो स्पिनर हो गए, उसके अलावा भी आपके तीसरा स्पिनर कौन हो रहा है, कृष्णप्पा गौतम और आपके दीपक हुड्डा भी बॉल कर सकते हैं, तो काफी चार स्पिन चार फास्ट बॉलिंग ऑलराउंड लाइक काफी ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, तो एक अच्छी प्लेइंग इलेवन है। अगर मैं फाइनल इलेवन अगर आपको बताऊँ अपनी अपनी तरफ से तो इंडिकॉक के साथ केएल राहुल एक विस्फोटक ओपनिंग एंड देन मनीष पांडे देन दीपक हुड्डा देन कुणाल पांड्या और फिर होल्डर के साथ गौतम, उसके बाद आपके लास्ट में तीन चमीरा आविश खान एंड रवि बिश्नोई, ये तीन बॉलर हो जाते हैं, तो एक अच्छा प्लेइंग इलेवन। आई थिंक अगर फर्स्ट लुक देखोगे प्लेइंग इलेवन का ऑन पेपर इंप्रेशन देखोगे तो आई थिंक 9.5 आउट ऑफ 10 आप इजीली दे सकते हो। बैकअप में मुझे पता है प्रॉब्लम है, बैकअप में बात करूं तो अगर ओपनर्स में ओवरसीज की टर्म्स में बात करूं तो इवन लो इसे इंडियंस की बात करूं इंडियंस में बात करूं तो मरन बोरा है, बाकी कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई भी इंजर्ड हो तो सीधा ये दो ही ऑप्शन है। अगर ऑलराउंडर्स बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके बैकअप में काइल मेयर्स ठीक है, उनके अलावा और कोई नहीं है, और अगर बॉलिंग में बात करूं तो अंकित राजपूत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मार्कोट चले जाएंगे तो फिर बैकअप में चमीरा के में कोई नहीं, तो बैकअप में थोड़ी प्रॉब्लम है, बाकी फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी गुड ऑफ प्लेइंग 11। और अगर स्ट्रेंथ की बात करूं आई थिंक ऑलराउंडर्स इनकी स्ट्रेंथ है, ऑलराउंडर्स काफी अच्छे इनके पास, जैसन होल्डर दीपक हुड्डा कुणाल पांड्या कृष्णप्पा गौतम मार्कस टोनिस, तो ये चार पांच ऑलराउंडर्स का जो वो है ग्रुप है वो बहुत अच्छा है। अगर ओपनर्स की बात करूं दोनों विस्फोटक ओपनर है, अच्छे ओपनर है, कंसिस्टेंट ओपनर है, तो ओपनर्स बहुत अच्छे हैं, तो ये इनका अच्छा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। स्पिन में रवि बिश्नोई अच्छे लेकिन सेकंड स्पिन स्टिल कृष्णप्पा गौतम और कुणाल पांड्या थोड़ा सा वीक लिंक है, तो वीकनेस में अगर मेरे को लगता है स्पिन डिपार्टमेंट उतना अच्छा नहीं है, और दूसरा सबसे बड़ा वीकनेस के एक्सपीरियंस नहीं है बैटिंग में, लाइक मनीष पांडे में जरूर है लेकिन तब भी उसके बाद कुणाल पांड्या उतना डिलीवर नहीं किया, और आप मार्कस टोनिस पे क्या पता उनका सीजन कैसा गया, इंजरी होगी तो फिर क्या, और दीपक हुड्डा मतलब यंग है थोड़ा सा उतना एक्सपीरियंस नहीं है, मिडिल ऑर्डर में जो फिनिशिंग वाला पार्ट है नंबर चार पाँच छः सात है, आई थिंक उतना हमने प्रूवन मतलब मार्कस टोनिस को छोड़ दें तो उतना किसी ने उतना अच्छा शो ऑफ नहीं किया। और अगर बात करूँ उसके अलावा फास्ट बॉलिंग आई थिंक लिटरली आविश खान अच्छा ठीक है, जैसन होल्डर फिर भी ठीक है, चमीरा अगर उनका फॉर्म नहीं आ गया उनका परफॉर्मेंस नहीं आता है तो फिर कौन है उनके पास, अंकित राजपूत के अलावा कौन है, और डेथ बॉलिंग जरूर से इशू है कि डेथ में आई थिंक होल्डर आविश खान मतलब सारे ही कोई पिट सकता है, तो आई थिंक ये सारे इशू है। और अगर अपॉर्चुनिटी में बात करूँ तो आई थिंक रवि बिश्नोई के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडियन टीम के अराउंड है, ऑब्वियसली चहल के बाद नंबर नहीं आता है उनका लेकिन तब भी चहल के अलावा अगर बात करूँ तो उनका ही नाम है, अगर लेग स्पिनर में बात करूँ तो उनके लिए
केएल राहुल के लिए पॉइंट टू प्रूव है कि अगर कभी कभी उनको चांस मिलता है, मतलब ऑब्वियसली प्लेइंग 11 का सर्टन हिस्सा है, बट तब भी एक अच्छा सीमेंट करना चाहेंगे अगर प्लेस। इस पांडे को यार एक्चुअली मैं नहीं देखता कि उनकी वापसी हो सकती, बट फिर भी आईपीएल करियर के रिगार्डिंग उन्हें खुद को रिवाइव करना है, बाई चांस इंडियन टीम में वापस आना है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आवेश खान, दीपक हुड्डा इंडियन टीम के सर्किट के अराउंड है, दोनों एंट्री बेस पे पहुंच चुके हैं, बट अभी सीमेंट एक किसी ने नहीं कर पाई, अभी पॉइंट टू प्रूव है, आई थिंक उनके लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा सीजन रहने वाला है। रवि बिश्नोई का मैंने बताया, रवि बिश्नोई, आवेश खान, दीपक हुड्डा, ये तीनों के लिए बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी, केएल राहुल के लिए स्टिल पॉइंट टू प्रूव, सेम फॉर मनीष पांडे, और थोड़ा बहुत कुणाल पांड्या को भी अब स्कीम ऑफ थिंग्स में रख सकते हैं, अंकित राजपूत ने इंडिया खेला नहीं है, तो यंगस्टर के लिए तो सारे के लिए होती है जिनको मौका मिलता है, तो अगर मैं बात करूं अपॉर्चुनिटी इनको है, और अगर रेट्स की बात करूं तो वही यार वानखेड़ी की पिच है, इनके बॉलर्स आई थिंक उतने ऐसे नहीं है, कोई डेथ ओवर स्पेशलिस्ट नहीं है, आई थिंक जो मुंबई की ग्राउंड है, पिच है, छोटा ग्राउंड है, आई थिंक इनके बैट्समैनों को तो काफी सूट करेगा, लेकिन वही दूसरी तरफ उनके बॉलर्स के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल वाला पार्ट हो सकता है, तो आई थिंक ये बड़ा दूसरा थ्रेड है, और बाकी इनके पास बैकअप नहीं है, तो आई थिंक ये तो कॉमन थ्रेड सारी टीम्स में देखने को मिलेगा, बैकअप अच्छा नहीं है अगर ऑलराउंडर्स छोटे होते हैं, तो आई थिंक कोई बैट्समैन भी नहीं है कि एक ऑलराउंडर की जगह फिलअप कर दे, थोड़ा सा 5-6 के कॉम्बिनेशन से, तो वो काफी डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन है, तो आई थिंक थ्रेड्स तो काफी है, वही स्पिन में भी थोड़ा सा ये है कि स्पिन में थोड़ा बैट्समैन फंस सकते हैं, क्विंटन डिकॉक का मैं मानता हूँ कि वो भी थोड़ा सा कम अच्छा स्पिन खेलते हैं, बाकी इंडियन कोर अच्छा है, पूरी टीम अच्छी है, बट थोड़े बहुत सारी टीम्स में प्रॉब्लम होती है, तो अगर बात करते हैं कि इस टीम से रॉकिंग परफॉर्मेंस किससे आए, तो आई थिंक मैं दो नाम लूंगा इस सीजन कि कौन इस टीम के लिए रॉक करेगा, कौन वो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, आई थिंक तो ऑब्वियसली केएल राहुल मेरी तरफ से, दूसरा रवि बिश्नोई, तो बहुत सिंपल आए, दो पंजाब के लड़के आके लखनऊ की टीम से वो खेलते हुए दोनों रॉक करेंगे मेरी नज़र में। अंडर परफॉर्म अगर मैं बात करूँ तो कौन कर सकता है, आई थिंक अंडर परफॉर्म मैं बात करूँ जैसा आवेश खान का लास्ट सीजन गया था, तो आई थिंक उतना अच्छा शायद रिपीट करना बहुत टफ होगा, तो अंडर परफॉर्म तो नहीं बोलूंगा, स्टिल अगर आप मेरे को चुनना है तो सुमंता चमीरा जो ओवरसीज फास्ट बॉलर खेलेगा इनका, आई थिंक वो अंडर परफॉर्म करेगा, और दूसरा मैं सोच रहा हूँ कि कुणाल और दीपक हुड्डा में से, आई थिंक इनमें से कोई ना कोई वापस से अंडर परफॉर्म करेगा, आई विश के कोई ना करे, बट स्टिल हम डिस्कशन में करना है। और इस टीम की अगर मैं स्टैंड की बात करूँ, कहाँ स्टैंड लेती है, कहाँ प्ले ऑफ में, आई थिंक इतनी अच्छी फर्स्ट 11 है, अगर इंजर्ड नहीं हुए तो आई डोंट थिंक एनी रीजन के वो टॉप 4 के लिए क्वालिफाई ना करें, तो आई डेफिनेटली बिलीव दैट इस टीम इज फॉर टॉप 4, आई थिंक टॉप 4 में जाएगी और अच्छा करेगी, आई थिंक टॉप 2 भी फिनिश कर सकती है अलॉन्ग विद सीएसके के क्या, आई थिंक ये दो टीम कॉम्पिटिशन बढ़ेगी टॉप 2 फिनिश के लिए, बट स्टिल टॉप प्लेइंग मतलब प्ले ऑफ में जरूर जानी चाहिए टीम, और टॉप 2 में कई भी कंटेंडर हो सकते हैं अगर अच्छा खेलते हैं, अपने पोटेंशियल पे खेलते हैं, अगर बॉलिंग को डेथ बॉलिंग को शॉर्ट रखते हैं और उनके स्पिन अच्छा करते हैं, बाकी चैंपियनशिप विन की बात करें तो आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू से बिफोर द टूर्नामेंट, बट स्टिल आई थिंक टॉप 4 की टीम है, बट चैंपियनशिप के लिए आई थिंक अच्छे कंटेंडर हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे कंटेंडर हैं, लेकिन इनके अलावा 2-3 टीम्स और हैं जो अच्छे कंटेंडर हैं, तो टॉप आई थिंक जो फाइनल और जो क्वालिफाइज वाले टाइम होता है वो ऑन डेट काम करता है, किसी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में जिता दे लाइक केएल राहुल को, इंडियन टीम को, तो आई थिंक अगर सामने वाली टीम से भी कोई ऐसा परफॉर्म कर सकता है, तो आई थिंक टॉप 4 की स्टिल टीम है, बाकी बहुत अच्छा ठीक है, और बाकी मतलब ठीक ही टीम है, और प्लेइंग 4-11 तो बहुत अच्छी है, तो देखते हैं, और आई थिंक ऑरेंज कैप के काफी कंटेंडर इस टीम में, आई थिंक क्विंटन डिकॉक हैं और केएल राहुल हैं, और पर्पल कैप के लिए इस टीम से कंटेंडर आवेश खान है और अभी भी स्नोई भी हैं, तो आप काफी कंटेंशन बहुत अच्छा ऑलराउंडर में, मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर में जैसन होल्डर भी है, और लाइक अच्छी फॉर्मेटेबल साइड है, बहुत मजा आएगा, और आई थिंक ये प्रीव्यू जो पूरा हमारा जो स्वेट एनालिसिस, स्क्वायर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड्स और प्लेइंग 11 एंड ऑल ऑफ द यंगस्टर जो कहां से कैसे आ रहे हैं, और किसी के बारे में अगर आपको डॉक्यूमेंट ट्रैक तो कमेंट्स में बताएं, बाकी लाइक करें पूरा और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है रात को शाम को 7 या 8 बजे इसका होगा डिस्कशन, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट के 2 फैन, 1 एक्सपर्ट और मैं चारों आपके साथ पूरा डिस्कस करेंगे, बाकी लोगों की राय जानेंगे प्लेइंग 11 में, अपॉर्चुनिटीज में, थ्रेड्स में, और कौन परफॉर्म कर सकता है, टीम कहाँ स्टैंड करेगी, मतलब पूरा एकदम से पूरा जो शाम को लाइव डिस्कशन है आपके कमेंट्स के साथ सारा चीज लिया जाएगा, तो वेटिंग फॉर द लाइक 7 or 8 PM लाइव जो भी होगा आई विल पोस्ट ऑन द कम्युनिटी, और कल कौन सी टीम को करना है वो भी आपके कमेंट्स में बताएं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब करें, बहुत सारे मजा आने वाला, आज पहली टीम है, 9 टीम बाकी, तो एक एक करके सारी टीम्स का कवर करेंगे, तो तब तक के लिए टेक केयर।